मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद सिविक सेंटर के सदन में अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए जो वोटिंग है उसका पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल जी हैं। मुकेश जी, जो हंगामा परसों रात हमने देखा, क्या आज जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या चुनाव आगे से होगा, 45 जो वोट पड़ चुके हैं, या फिर शुरुआत से होगी? इसके अंदर जब सदन की बैठक चलेगी उसके ऊपर महापौर महोदया क्या निर्णय लेती है ये उनके विवेक के ऊपर है, और जिस प्रकार से भी होगा, लेकिन आज हमारी मंशा यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव हो। चुनाव से सदस्यों के चुनाव से पहले ही, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से पहले ही, आपके एक पार्षद तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कैसे देखते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो बताएंगे। मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों की वजह से और किस वजह से उनका, यह भी हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ हो और निजी स्वार्थ के वश वो पार्टी छोड़ के चले गए। अभी भी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके पास काफ़ी पावर होती है, प्रशासनिक और आर्थिक फैसले लेने का अधिकार उनके पास होता है। आपको लगता है कि जो आपने चार उम्मीदवार उतारे स्टैंडिंग कमेटी में, कितने जीतने की उम्मीद? हमें उम्मीद है कि हमारे सभी के उम्मीदवार जीतेंगे और वो आशा के तहत ही उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। लग रहा है कि आज शांतिपूर्वक हो सकता है चुनाव, क्या उसी की तरह? हमारी आशा तो हमेशा यही रहती है कि शांतिपूर्वक तैयार तरीके से चुनाव हो, और हम ये भी चाहते हैं लोकतंत्र के अंदर जिसको जनता जनादेश देती है जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपने देखा पिछले 2.5 महीने से जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है वो किसकी वजह से बनाया जा रहा था और क्यों बनाया जा रहा था। जो हमारे महापौर और उपमहापौर परसों चुने गए उन्हें 2.5 महीने पहले चुन लिया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को दिक्कत थी जिसकी वजह से परेशानी हुई। कल मेयर साहिबा ने भी कहा कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है संपत्ति को उसका अब हरजाना भी उन्हीं से भुगतना होगा, ये भी कहा गया। हाँ, इसके बारे में चर्चा होगी, आज सदन के अंदर चर्चा होगी, और महापौर महोदया ने जो कहा आपने देखा ही है कल रात में और परसों, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा मचाया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो सरकारी संपत्ति देश की संपत्ति है, उसको मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता और अमित नागपाल ने जो किया सदन के अंदर, क्या उन पर कोई कार्रवाई? वो बहुत निंदनीय है, इस तरह का लोकतंत्र के अंदर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हमने तो कभी सुना था यूपी बिहार जैसे स्टेट के अंदर कोई बैलेट बॉक्स उठा के ले जाता था या कोई इस तरह के मत पत्र फाड़ देता था, लेकिन हमने तो यहाँ सदन में देश की राजधानी के अंदर इस तरह सत्तारूढ़ जो दल था पीछे, उन्होंने जिस प्रकार की हरकतें करी वो सारी दिल्ली ने देखी, सारे देश ने देखी, उनकी टीवी फुटेज है, और उसके अंदर जो महापौर मुद्दे जो भी संज्ञान लेगी ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या वो चुनाव जो 45 वोट पड़ चुके हैं उससे आगे से वोटिंग होगी या फिर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।